नमस्कार मित्रों, ये आपके सामने राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित टॉपिक का टेस्ट है। इसमें आपके सामने मैं 40% जो है वो रख रहा हूँ और आपको क्या करना है, इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला प्रश्न, अब इनके आंसर अभी नहीं है, आप एक कॉपी और पेन, वीडियो को पॉज कर लो, कॉपी और पेन ले लो आप और इनके उत्तर आप लिखते जाओ ताकि आपका क्या मूल्यांकन होगा। और ये जो है इसमें एबसद नहीं है, एबसद से क्या है, कई बार तुक्का भी लग जाता है, आपको कंठस्थ करना है ये। तो अब इसके बाद में इनके जो आंसर है वो इसी वीडियो में साइड में ये जो त्रिभुज का सा निशान है, तिरका सा, इस पर आप दबाओगे तो ये डिस्क्रिप्शन आता है लिखा हुआ, वहाँ पर मेरे जो ड्राइव है गूगल ड्राइव उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप PDF लोड कर लेना जिसमें इसके उत्तर भी लिखे आ जाएंगे, उनमें से आप जांच कर लेना। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, कॉपी में आप लिख लो, सोच के लिख लो। किसान पंचायत या उपरमाल पंचायत का संबंध किस आंदोलन से है? दूसरा प्रश्न, उपरमाल पंचायत याद कीजिए आप। तीसरा प्रश्न, नीमू चाणा कांड जो हुआ था, गांधी जी ने इसको जलियावाला से भी विवत्स बताया, ये कांड कब हुआ? सन लिखना है आपको, बताना है और किस जिले में है वो भी बताना है, लिखिए आप। पांचवा प्रश्न, अच्छा चौथा इसमें गायब हो गया, कोई बात नहीं। भीलों में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एक ही आंदोलन, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, आ सकते हैं और आते रहते हैं। छठा प्रश्न, धाकड़ जाति के किसानों ने किस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया? किसान आंदोलन में धाकड़ जाति, तो आपको वीडियो पॉज कर लेना बीच बीच में, मगर आपको कॉपी में लिखना है, 6 नंबर लगा के उसके आगे उत्तर लिख लो आप, फिर आप इनका उत्तर का मैच कर लेना, मिलान कर लेना। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? ट्रेंच कमीशन। बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध किस किसान आंदोलन से है? प्रश्न नंबर 9, किस किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? प्रश्न नंबर 10, किस किसान आंदोलन का प्रश्न ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाया गया? प्रश्न 11, नानाजी व ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? और आपके सामने प्रश्न नंबर 12, AGG हॉलैंड ने कहाँ के किसानों से वार्ता की? प्रश्न नंबर 13, नंबरदार भोज किस रियासत में किसान नेता था? नंबर 14, मादा पशुओं पर प्रतिबंध हटाने के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ? मित्रों ये जो क्वेश्चंस हैं ये राजस्थान की जो पुस्तक है GK की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उस टॉपिक में से बनाए हुए क्वेश्चंस है, ये मौलिक प्रश्न है। तो मादा पशुओं पर प्रतिबंध हटाने के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ? प्रश्न नंबर 15, पुकार नामक पुस्तिका में राजपूत किसानों ने मुख्यतः क्या मांग रखी? आपको उत्तर आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे आपको सीधे उत्तर देने हैं तो आप वीडियो, वो जो PDF है वो डाउनलोड कर लें, आप कोशिश करें, आपकी तैयारी चल रही है तो आप उत्तर देने की कोशिश करें। पुकार पुस्तिका कहाँ लिखी गई? 16, किस समाचार पत्र में नीमू चाणा कांड को जलियावाला के समान बताया गया? प्रश्न 17, बरड़ के किसानों ने आंदोलन कब शुरू किया? प्रश्न 18, रूपाजी और करपाजी धाकड़ किस स्थान से या आंदोलन से संबंधित है? प्रश्न 19, डाबी कांड कब व कहां हुआ? प्रश्न 20, TV राघवाचार्य कहां के प्रधानमंत्री थे, किस रियासत के? प्रश्न 21, मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? प्रश्न 22, आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? प्रश्न 23, राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया?
24 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ईस्वी में ने की, यानी किस सन में हुई, कहाँ हुई, किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आता रहता है, राजस्थान सेवा संघ किस रियासत में आंदोलन जागीरदार के विरुद्ध न होकर सीधे राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। 26 बिघोड़ी क्या था, इसका एक वीडियो और बना देंगे मित्रों, अगर आप लोगों को ये कठिन लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ये आइडिया कैसा रहा। अगर ऐसा लग रहा आपको सीधे उत्तर साथ में हो तो साथ में उत्तर का वीडियो जो है वो व्याख्या सहित और बना दूंगा मैं, मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। प्रश्न 27 डाबड़ा कांड कब हुआ। 28 सिक्कर के किस राजा ने 1922 में लगान में वृद्धि की। नेक्स्ट सन ईस्वी में ठाकुर ने जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की, तो किस सन में और किस ने, ठाकुर नाम है इनका आपको बताना है। शेखावाटी के पंच पाणों के नाम लिखिए, पांच पाणे। नेक्स्ट दूधवा खारा में किस किसान नेता ने भूख हड़ताल की। नेक्स्ट जमींदार संघ की स्थापना किस क्षेत्र के किसानों ने की। नेक्स्ट मोतीलाल तेजावत पर किस रियासत ने गिरफ्तार करने के लिए इनाम घोषित किया। नेक्स्ट गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ। मानगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। गुरु गोविंद गिरी ने अपनी धुनी कहाँ स्थापित की। मानगढ़ कांड कब हुआ। बोमट आंदोलन किसने चलाया। मीणाओं के 1944 के नीमका थाना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। जयपुर राज्य जरायम पैसा कानून कब पारित हुआ। तो आप देखिए मित्रों, इस तरह से ये आपके सामने 40 प्रश्न मैंने रखे हैं। अब आप इनके उत्तर पीडीएफ से भी आप लोड कर सकते हैं, और इसी में मैं जो है एक पेज और आ रहा है उसमें आपको इनके उत्तर मिलेंगे। ये देखिए साथियों, ये इनके आंसर है, आप कहो तो इनके आंसर की व्याख्या भी कर दें, आप चाहे तो सीधे वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रसिद्ध भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी का है। किसान पंचायत उपरमाल पंचायत का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये है बिजोली आंदोलन, वो विजय सिंह पथिक ने की थी। निमूचाणा कांड अलवर में है 1925। भीलों में एक ही आंदोलन मोतीलाल, यानी मोतियों को एक करके माला बनाइए। धाकड़ जाति बिजोलिया। ट्रेंच कमीशन बेंगू, देखिए ट्रेंच में दो अक्षर है, बेंगू में दो अक्षर, ऊपर मात्रा भी है, बिंदी भी है, तो ट्रेंच बेंगू। बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये दो ही आयोग बने हैं, तो बिंदुलाल जो है इसमें चार अक्षर है तो बिजोलिया, और ट्रेंच है वो बेंगू। आप इसे याद रखो, चित्तौड़गढ़ जाओ बेंगू तो टॉर्च लेके जाना। किस किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो बूंदी का बरड़ आंदोलन। देखिए बूंदी एक मिठाई है, तो बूंदी खाने के लिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो बूंदी का बरड़, और बूंदी जब सूख जाती है तो उसको हम बरड़ बरड़ खाते हैं, आवाज़ आती है। मित्रों हंसी मजाक के साथ साथ जो है फार्मूले से आपको याद रह जाएगा, अगर आपको हंसी आई तो कोई दिक्कत नहीं है। किस किसान आंदोलन का प्रश्न ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, अपना शेखावाटी जो है यहाँ का प्रश्न जो है वो ब्रिटेन तक पहुँचा। नानजी और ठाकरे पटेल बिजोलिया। एजीजी हॉलैंड ने कहाँ के किसानों से वार्ता की, बिजोलिया। नंबरदास भोज जो है भरतपुर का। मादा पशुओं पर प्रतिबंध हटाने के लिए मारवाड़। एक आप सुअर आंदोलन का भी ध्यान रखना, सुअरों को मारने की अनुमति वो अलवर है। पुकार नामक पुस्तिका में राजपूत किसानों ने मुख्यतः मांग क्या रखी, आवारा पशुओं के शिकार की छूट। कहा कि जो आवारा पशु है उनकी शिकार करने की छूट दो, वो फसल खराब कर रहे हैं, ये अलवर की घटना है ये। किस समाचार पत्र में निमूचाणा कांड को जो है जलियावाला से भी
समान बताया गया तो ये है, रियासत नाम का समाचार पत्र था, रियासत अखबार का नाम है ये। बरड़ के किसानों ने आंदोलन कब शुरू किया, 1922। बरड़ आपको याद है ना, बूंदी, बरड़ बरड़ खा रहे हैं महिलाएं। तो अब पुकार हो गया किस, निमुचाणा रियासत 1922, रूपाजी और करपाजी धाकड़, तो ये है बेंगू, रूपाजी और करपाजी बेंगू। डाबी कांड कब और कहाँ हुआ, तो 1923 बूंदी। आप याद रखें कि बूंदी को डब्बी में बंद करके भी लाए, साथ में डब्बे में बंद करके, तो बूंदी डाबी 1923। टी विजय राघवाचार्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे, मेवाड़। नेक्स्ट मारवाड़ लोक परिषद, नेक्स्ट मारवाड़ लोक परिषद मालोप के प्रथम अध्यक्ष रणछोड़दास गट्टानी। आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरीश चंद्र, बाबा लोग आज़ाद होते हैं। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन वाल्टर, इसको आप याद रखें, वाल्टर की राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत समाज में जो प्रचलित कुछ अंधविश्वास थे उनको दूर करने के लिए, अंग्रेज था ये। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये प्रश्न बहुत बार आता है, 1919 वर्धा में पथिक जी ने की। तो देखो 1919 दो बार, 1919 और वर्धा, तो आप ऐसे याद रखें, वर्धा वर्ध जो होते हैं ना, वृद्ध लोग, उनकी सेवा की जाती है। तो राजस्थान सेवा संघ कहाँ स्थापित हुआ, वर्धा, तो वृद्ध लोगों की सेवा होती है वर्धा। किस रियासत में आंदोलन जागीरदार के विरुद्ध न होकर सीधे राज्य प्रशासन के विरुद्ध था, बूंदी, ये वही बरड़ बूंदी महिलाओं वाला। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे क्या, जागीरदार के विरुद्ध न होकर सीधा प्रशासन के विरुद्ध था, अंग्रेजों से लोग जो है वो तंग आए हुए थे। बिगोड़ी क्या था, एक बीघा भूमि पर लिया जाने वाला जो राजस्व था, टैक्स है बिगोड़ी। डाबड़ा कांड कब हुआ, 1947, यानी आज़ादी वाला साल था ना उस टाइम, 13 मार्च। डाबड़ा, डाबड़ा डीडवाना में है और डाबी जो है वो बूंदी में है। सीकर के किस राजा ने 1922 में लगान में वृद्धि की, राव राजा कल्याण सिंह। सन 1931 में ठाकुर देशराज ने जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की। शेखावाटी के पंच पाणों के नाम लिखो, तो मान लो मैं डूबी, मान में, तो ये शेखावाटी के पंच पाणे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो इसमें आप फार्मूला है, मान लो मैं डूबी, मान में डूबी, तो माला सर या मलसी सर। दूसरा है मान न, यानी नवलगढ़, फिर वापस मैं मंडावा, मान मैं डू, डू मतलब डूंडलोद, बी बिसाऊ, तो ये पांच जो है पंच पाणे हैं। दूधवा खारा चूरू है, उसमें किस किसान नेता ने भूख हड़ताल की, तो हनुमान सिंह, हनुमान सिंह। अभी किसान नेता आपको पता ही है कौन राजस्थान में चमक रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, तो आप इसे याद रख लेना। दूधवा खारा जमींदार संघ 1922 की स्थापना किस क्षेत्र के किसानों ने की, तो बीकानेर के गंग नहर क्षेत्र के किसानों ने एक जमींदार संघ बनाया। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन वाले, मोती एक, एक मोती एक माला, किस रियासत ने गिरफ्तार करने के लिए इनाम घोषित किया, सिरोही, सिरोही ने इनाम घोषित कर दिया। गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ, डूंगरपुर में हुआ, ध्यान रखना, गोविंद गिरी डूंगरपुर, जीडी जनरल, जीके जनरल डिवीजन, जीडी याद रख लेना। मानगढ़ की पहाड़ी किस जिले में, बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है, मानगढ़ चार अक्षर है, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा गुजरात के बॉर्डर पे है, मगर राजस्थान में अगर पूछें तो बांसवाड़ा। गुरु गोविंद गिरी ने अभी हाल ही में यहाँ वसुंधरा जी ने बांसवाड़ा में गुरु गोविंद गिरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है, बांसवाड़ा, करंट जीके का क्वेश्चन है। गुरु गोविंद गिरी ने अपनी धूनी कहाँ स्थापित की, बेड़सा गाँव डूंगरपुर, डूंगरपुर में धूनी स्थापित की। देखिए डूंगर में यानी मंदिर है डूंगर, तो वहाँ धूनी लगाई, और पहाड़ी मानगढ़ वाली बांसवाड़ा में। मानगढ़ कांड कब हुआ, 17 नवंबर 1913, 13 आपको याद रखना है। बोमट आंदोलन किसने चलाया, मोतीलाल तेजावत ने। मीणाओं के 1944 के नीम का ताला सम्मेलन के अध्यक्षता किसने की, मुनि मगन सागर, जैन मुनि थे ये। 1900 अगला है, जयपुर राज्य जरायम पैसा कानून कब पारित हुआ, 1930। जरायम पैसा जो है वो मीणा समाज से संबंधित था, कुछ जो है वो उसमें अपराध से संबंधित था ये, तो 1930 में ये कानून पारित हुआ, और आज़ादी के बाद ही इसको हटाया जा सका 1952 में। तो इस तरह से मित्रों 40 प्रश्न आपने देखे, उनका आपने टेस्ट दिया, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आपके अगर 40 में से 20 भी सही हो गए तो आप ये मानिए आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि टफ क्वेश्चन में मेरिट जो है वो 50% के आसपास ही रहती है। और आपको सीधे उत्तर देखना है तो वीडियो आगे निकाल के देख लो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। पसंद आया होगा, मुझे तो ठीक लगा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे भी इस तरह से जो है और टेस्ट की जो है मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।